पूछा था कि सर ये जो वेरिएबल आपने बताया था कि रैम में सेव होती है, रैम में जगह ले रहा होता है वेरिएबल, तो वो कैसे सेव होता है रैम में जाके ना, तो इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, फिलहाल हम ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो आप कर चुके हैं, ये बाकी के जो मैथ ऑपरेटर हैं ना ये हम पढ़ने लगे हैं आज, ठीक है। और थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा जूम इन हो गया। अच्छा, ये जो डेटा टाइप्स हैं हमारे पास वेरिएबल में, हमने बूलियन, नंबर, स्ट्रिंग, ये तीन तो पढ़ लिए हैं। ये एरे और ऑब्जेक्ट ना ये हम बाद में पढ़ेंगे, सही है, ये एरे और ऑब्जेक्ट हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये ज़रा नंबर के साथ जो होने वाले ऑपरेशन हैं वो हम देख लेते हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ पे आके एक नया फोल्डर, अच्छा अब ये इसी इनपुट आउटपुट वाले की मैं कॉपी बना रहा हूँ ना, क्योंकि अब जो हम मज़ीद काम करेंगे उसमें सब में इनपुट आउटपुट ले रहे होंगे हम, सही है। अच्छा, तो बल्कि मेरा ख्याल है अभी फ़िलहाल के लिए हम न्यू फाइल बना लेते हैं, फिर जब ज़रूरत पड़ेगी इनपुट लेने की तो हम नया ले लेंगे, ठीक है। तो मैंने वो ख़त्म कर दिया इनपुट आउटपुट वाला, और इस पे मैं क्या लिख देता हूँ, मैथ ऑपरेटर्स, राइट, मैथ ऑपरेटर्स, सही है। और मैथ ऑपरेटर लिखने के बाद मैंने यहाँ पे एक हेडिंग लगा दी कि फेमिलियर मैथ ऑपरेटर्स, राइट। ये आपकी बुक में एक चैप्टर भी है, अगर आपको मैं बुक खोल के दिखाऊं, ठीक है, फेमिलियर एक्सप्रेशंस जो हैं मैथ के, ये फेमिलियर ऑपरेटर्स, ठीक है। अच्छा, फेमिलियर ऑपरेटर जो है वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो है वो हमने देखा हुआ है। मेरा ख्याल है शायद इसको हमें करके देखने की भी ज़रूरत नहीं है, हम क्या करते हैं दो नंबर्स को प्लस करते हैं और किसी वेरिएबल में हम उसको रखवा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम क्या करते हैं, दो नंबर्स को माइनस कर सकते हैं, दो नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी वेरिएबल में अगर नंबर मौजूद है तो उस वेरिएबल को भी हम प्लस कर सकते हैं किसी दूसरे नंबर या किसी दूसरे वेरिएबल के साथ, ठीक है। ये चैप्टर आई होप कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, मैंने क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि ये वाला चैप्टर ना आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपके मज़ीद फेमिलियर ऑपरेटर्स हैं उसमें क्या है, मॉड्यूलस शामिल है, मॉड्यूलस का बल्कि इसी चैप्टर में आखिर में जिक्र किया है उन्होंने। अच्छा, ये मॉड्यूलस जो है वो क्या करता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, इट डज़ नॉट गिव यू द रिज़ल्ट ऑफ डिविजन ऑफ वन नंबर बाई अनदर, इट गिव्स यू द रिमाइंडर वेन द डिविजन इज़ एग्जीक्यूटेड। ये कह रहा है कि आपने ना लिखा है यहाँ पे कि 10 मॉड्यूलस 3, तो 10 मॉड्यूलस 3 को ना आप समझ लें कि ये असल में डिवाइड हो रहा है बैकग्राउंड में ना, तो लेकिन ये बैकग्राउंड में जो डिवाइड हो रहा है ना उसमें वो ऐसा वाला डिवाइड है जिसमें रिमाइंडर भी बचता है। अगर आपको बचपन में याद हो तो हम एक तरीका करते थे इसका डिवाइड करने का, एक हमारे पास तरीका होता था, चल गया भाई, तो हम ऐसे करके करते थे कि यार सही है 10 और इसको हम डिवाइड करते थे 3 से, राइट, और ऐसे करते थे हम। तो हम क्या करते थे कि भाई ये अगर 3 की टेबल में ये 10 आ जाए किसी तरह, तो 10 तो नहीं आता, तो 3 3 9 होता है, तो हम यहाँ पे क्या करते थे, ऐसे 9 लिख देते थे, राइट, और यहाँ पे हम लिख देते थे 3, याद आ रहा है कुछ, और इन दोनों को फिर हम करते थे माइनस, तो यहाँ पे बच जाता था 1, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे आके ये स्टॉप हो जाता था, ये डिवीजन आपकी कंप्लीट हो गई। अगर यहाँ पे नंबर जो है वो 3 से छोटा आ गया तो बस ये डिवीजन आपकी यहीं पे स्टॉप हो गई। अच्छा, अगर मुझे लगाना है पॉइंट इसके अंदर, तो मैं एक पॉइंट लगाता हूँ और यहाँ पे एक साथ में 0 लगा देता था, ठीक है, ये करता था। अब मैं बोलता था अच्छा ठीक है 3 की टेबल में, तो वो दोबारा से 9 है, 10 तो है ही नहीं, तो फिर मैं दोबारा से इसको क्या करता था, माइनस करता था, यहाँ पे फिर 1 आ जाता था, और यहाँ पे मैं 3 3 करके लिख देता था, ठीक है। तो ये इसका आंसर एक्चुअली 3.3.3, बहुत सारे 3 आ जाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है, ये वाला जो डिवाइड है ना, रिमाइंडर वाला जो डिवाइड है, इसको यहाँ पे ये हो जाता है स्टॉप, इसमें पॉइंट नहीं लगता है, ठीक है, और ये जो चीज़ बच जाती है ना इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। तो मॉड्यूलस हमें ना ये वाली चीज़ रिटर्न करता है और डिवाइड हमें ये वाली चीज़ रिटर्न करता है। तो दो ऑपरेटर हैं हमारे पास, एक है डिवाइड, ये जो डिवाइड का ऑपरेटर है जो फॉरवर्ड स्लैश से जिसको हम देते हैं वो देता है मुझे ये वाला आंसर यहाँ पे जो भी आएगा, ठीक
ठीक है, और पॉइंट वगैरह के सबके साथ देता है ना। और एक है मॉड्यूलस का ऑपरेटर, जिसमें ऐसे ये गोल दो लगे हुए हैं। ये जो मॉड्यूलस का ऑपरेटर है ये मुझे क्या देता है, ये मुझे देता है ये रिमाइंडर, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पे अगर मैं क्या बोलता हूँ, अगर मैं यहाँ पे आके कहता हूँ कि 10 और यहाँ पे मैं डिवाइड लगाता हूँ और 3 लगाता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा आंसर, ठीक है। लेकिन उसी की जगह पे अगर मैं लगाता हूँ 10 और डिवाइड की जगह मैं यहाँ पे लगा देता हूँ मॉड्यूलस, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3, तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, मुझे आंसर मिलेगा 1 इसका, ठीक है, क्योंकि मॉड्यूलस मुझे क्या देता है, रिमाइंडर मुझे दे रहा होता है मॉड्यूलस, ठीक है। इसमें आई थिंक किसी का कोई ऐसा सवाल तो नहीं होगा। तो ये बुक में इन्होंने एक सिंपल सी लाइन में लिख के बताया हुआ है, लेकिन मैंने उसको डिटेल में इसलिए बता दिया कि मे भी किसी को रिमाइंडर ना पता हो, या रिमाइंडर के कुछ मुख्तलिफ नाम भी हो सकते हैं, तो शायद किसी को दूसरा नाम पता हो कोई, तो सेम पेज पे लाने के लिए मैंने वो भी डिटेल बता दी कि रिमाइंडर असल में बोलते किस चीज़ को। अच्छा, ये रिमाइंडर का ना यूज़ आमतौर पर कहाँ पर होता है, कि जब हमें ये चेक करना होता है कि कोई नंबर दूसरे नंबर से ना इक्वली डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो फिर हम ना इसको रिमाइंडर का इस्तेमाल करते हैं। ये हम इन फ्यूचर रिमाइंडर का इस्तेमाल कर रहे होंगे ना अपनी कोडिंग के दौरान, ख़ास तौर पे जहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। जैसे एक बहुत कॉमन एग्जांपल इसकी दी जाती है आमतौर पे क्लासेस में, कि अगर आपको किसी नंबर को चेक करना है कि ये इवन है या ऑड है, ठीक है, मिसाल के तौर पर एक गिवन नंबर है 13, राइट, एक 13 नंबर है, इसको आपने चेक करना है कि इवन है या ऑड है, तो आप इसको क्या करते हैं, इसको आप मॉड्यूलस कर देते हैं किसके साथ, 2 के साथ, ठीक है, इसको मॉड्यूलस 2 कर देते हैं आप। तो अगर इन दोनों का जो आंसर है अगर 0 होगा तो इसका मतलब है इवन है, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे गिवन नंबर है वो अगर इक्वली डिवाइड हो जाता है 2 से तो रिमाइंडर 0 बचेगा, रिमाइंडर कोई नहीं बचेगा, ठीक है, तो इसका मतलब है वो इवन नंबर है। लेकिन हमारे केस में यहाँ पे जो 13 लिखा हुआ है ये 13 2 से इवनली डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसमें रिमाइंडर मुझे 1 मिलेगा, तो 1 मिलने का मतलब है कि 13 इज़ नॉट एन इवन नंबर, दिस इज़ एन ऑड नंबर, ठीक है। अब इससे हम आगे चलते हैं। अब इससे आगे जाने के बाद हमने क्या देखा कि ये प्लस प्लस का ऑपरेटर है एक, अब ये जो प्लस प्लस का ऑपरेटर है इसको इन्होंने क्या बोला हुआ है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, ये क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। There are several specialized math expression you need to know. Here is the first one. ये specialized math operator है ना, ये क्या चीज़ है, specialized math expression है। अच्छा, कोई आप में से मुझे बता सकता है कि math expressions किस चीज़ को कहते हैं, क्या हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं क्लास में कि math expressions क्या होता है, कोई भी अपना माइक खोल के बताना चाहे अगर कि what do you think, what is the math expression? सर, अगर हम वेरिएबल्स को प्लस माइनस करें या हार्ड कोड वैल्यूज को प्लस माइनस करें तो ये हमारे एक्सप्रेशन के लास्ट में सही काइंड ऑफ आपने बात तो बिल्कुल सही की है, लेकिन मैं कुछ और सुनना चाह रहा हूँ। अच्छा चलो, मैथ एक्सप्रेशन को भी छोड़ो, ये सिर्फ एक्सप्रेशन जो है अंग्रेजी में, सिर्फ एक्सप्रेशन जो है वो किस चीज़ को कहते हैं, कोई अगर इस पर बोलना चाहे। जी प्लीज़ अक्सा। एक्सप्रेशन है इसके किस तरीके से चीज को कम्युनिकेट किया जा रहा है। जैसे अगर आप हंस रहे हो तो आप एक मैसेज कम्युनिकेट करो दैट यू आर हैप्पी। अगर आप उदास हो या अगर आप साइलेंट हो और उस साइलेंस के थ्रू अगर सैडनेस एक्सप्रेस करो तो आप कम्युनिकेट करो मैसेज के आई एम सैड एंड आई एम नॉट विलिंग टू टॉक। सही, तो बिल्कुल इन्होंने सही बताया कि एक्सप्रेशन जो है असल में जो आपकी जो भी सिचुएशन है उसका इजहार करना, जो उसको एक्सप्रेस करना कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने अक्सर जो मूवीज़ में उसमें के वर्ड यूज़ किया जाता है कि एक्सप्रेस योर लव, ठीक है, कि आप अपना अपने जो जो भी चीज़ होती है आपके दिमाग में उसको जब आप सामने वाले को बताते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्रेस, कि आप अपनी बात सामने वाले को कन्वे कर रहे होते हैं। बिल्कुल इन्होंने सही बताया। अच्छा, तो ये तो बिल्कुल सही बात हो गई। इसी तरह मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन आपने बोला वो ये होगा कि नंबर्स एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। वो जो प्लस का साइन होता है इट्स अ मींस ऑफ कम्युनिकेट फॉर द टू नंबर्स, कि एक नंबर दूसरे नंबर से व्हाट्स एक्चुअली गोइंग ऑन।
ये ब्रेन स्ट्रोमिंग का क्वेश्चन है, इसमें सही गलत नहीं है कोई, ठीक है। तो आप कोई भी आप में से जो है ना अपने अपना ओपिनियन दे सकता है, तो प्लीज़ फील फ्री टू शेयर योर ओपिनियन। अच्छा, कोई और कहना चाहेगा कुछ? कि एक्सप्रेशन तो हमें समझ में आ गया कि एक्सप्रेशन का मतलब है कि कोई भी बात एक्सप्रेस करना। तो मैथ एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? मैथ क्या एक दूसरे से कुछ बोल रहे हैं? मतलब ऐसे नंबर 5 जो है वो नंबर 7 के कंधे पे सर रख के बता रहा है कुछ, यार मेरे साथ ऐसे हो गया, क्या इस तरह का कुछ हो रहा है मैथ में? सर वो इक्वेशंस का बात है, मतलब ये किस तरह से वो इक्वेशन क्या बताना चाह रहे हैं वो एक एक्सप्रेशन के तौर पे ऐसा समझ सकते हैं कि जो भी एक्सप्रेशन अगर देखो एक्स प्लस वाई है या एक्स प्लस वन है, इसका मतलब क्या है, वो एक एक्सप्रेशन बयान हो सकता है। सही। और कोई आप में से बताना चाहेगा? असल में मैं एक खास वर्ड सुनना चाह रहा हूँ, अगर वो आप में से कोई अगर कह दे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। वैसे इन्होंने भी सही बताया, और ऑलमोस्ट इन्होंने काफ़ी करीब करीब सही बता दिया। और आप में से कोई भी बोलना चाहे? देखो यार, क्लास ना मुझे पसंद है कि टू वे हो, क्लास टू वे इस सेंस में हो कि मैं सर जी प्लीज़ अदनान। जस्ट लाइक अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें तो सोशल मीडिया पे इमोजीज बहुत यूज होते हैं, इमोजीज खुशी का, गम का, रोने का इमोजीज छोड़ दो, तो मैथ एक्सप्रेशन उसके जो के साइंस होते हैं प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन और इस तरीके से जो भी साइन थोड़ा होते हैं माइक को करीब उसको। करके ना जोर से बोलिएगा, आवाज़ आपकी आ तो रही है लेकिन कम आ रही है अब आ रही है आपको जी, कुछ बेहतर है पर। कुछ बेहतर है? अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि इमोजी जो हम इस्तेमाल करते हैं, इमोजीज जो हम सोशल मीडिया पे खुशी आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, खुशी का इजहार करना, गम का इजहार करना, तो एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन को वो मेरा आइकन है एक्सप्रेशन के, वो आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है। नहीं, एक्सप्रेशन तो हमें समझ में आ गया कि एक्सप्रेशन जो है वो कोई भी बात एक्सप्रेस करना हुआ है। अब मैथ में कौन सा एक्सप्रेशन, मतलब मैथ एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, हम ये डिस्कवर करना चाह रहे हैं। तो एक्सप्रेशन मैथ में उसके साइंस हो जाते हैं प्लस, तो हमें अंडरस्टैंड होता है कि प्लस का मकसद ये है कि दो फिगर्स को ये जमा करेगा, माइनस तो वो लेस करेगा दो फिगर को, तो मुझे शायद ठीक समझना है इस तरीके से। तो सही सही, बहुत अच्छा बोला आपने जी अक्सर। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिमेस, डिविजन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन। हाँ बिल्कुल सही बताया आपने। एक वर्ड मैं सुनना चाह रहा हूँ जो मोहम्मद कामरान ने वो वर्ड बोल दिया है, ऑलमोस्ट बहुत करीब करीब बोल दिया उन्होंने। मोहम्मद कामरान, क्या आप अपना माइक ओपन करेंगे? आप ये बताएं ज़रा, आपने जो लिखा है ये क्या बोल के बताएं। अच्छा, इन्होंने लिखा है, मैं बता देता हूँ, मेरे ख्याल है माइक इनके पास अवेलेबल नहीं है। अ मैथ एक्सप्रेशन इज़ अ मैथमेटिकल सेंटेंस, ये जो जुमला है ना ये मैं सुनना चाह रहा था। अच्छा, विथ अ मिनिमम, अब ये आगे वाली बात रेलिवेंट है, ये जो आगे लिखा है ना ये रेलिवेंट है, बस ये जो पार्ट है ना ये शुरू वाला, ये आपको अगर समझ में आ जाए तो ये सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। देखो, जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान से कोई बात एक्सप्रेस करता है तो वो क्या करता है, वो जैसे कि प्यासा है कोई, ठीक है, थ्रस्टी है, तो थ्रस्टी एक उसके स्टेट ऑफ माइंड है या जो भी स्टेट ऑफ बॉडी है, तो उस स्टेट को वो एक्सप्रेस करेगा तो वो कैसे करेगा, वो बोलेगा कि आई एम थ्रस्टी, बता देगा, वो बोल के बताएगा, ठीक है। कैसे बोलेगा? उर्दू ज़ुबान का इस्तेमाल करेगा, अपनी ये जो कैची जैसी ज़ुबान है उसको यूज़ करेगा उसको जुमले को अदा करने के लिए, ठीक है। तो इसको एक्सप्रेस करने का जो तरीका है ना वो ये है, जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा चैट में और मैं लिखूँगा आई नीड सम वाटर, ये एक एक्सप्रेशन है कि आई नीड सम, मैं अपनी बात एक्सप्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। या मिसाल के तौर पे आई एम टायर्ड, ठीक है, आई एम टायर्ड, बस मैं थक गया हूँ, ये मैं थका हुआ था, मैंने बता दिया कि मैं थका हुआ हूँ, तो ये एक एक्सप्रेशन लिखा है मैंने कि आई एम टायर्ड, और ये एक्सप्रेशन मैंने लिखा है अंग्रेज़ी में। मैथ का जो अब देखो, अब इमेजिन करो एक मैथमेटिशियन है, वो दूसरे मैथमेटिशियन को कुछ बोलना चाह रहा है, वो मिसाल के तौर पे ये बोलना चाह रहा है कि यार ये जो, जैसे ये मेरे पास अब ये चार्जर है, इस ये जो कॉर्नर है ना,
ये वो कहना चाह रहा है कि इसको ना सर्कल थोड़ा घुमा दो, अब कितना घुमा दो, या वो बोलना चाह रहा है कि जैसे कोई घर बनाते हैं ना, घर तो सब लोग ने देखा हुआ होता है, तो घर में आपकी सीढ़ी बन रही है ना, अब आपको जो आप इंजीनियर हैं, आपको जो काम करने वाले लोग हैं उनको बताना है कि यार इस सीढ़ी को किस पे रखना है, 45 डिग्री पे रखना है, ठीक है, 45 डिग्री पे रखना है, तो अब आप वो बात कैसे बताएंगे, ठीक है, वो आप बताएंगे मैथ की ज़ुबान में, वो मैथ की ज़ुबान में एक्सप्रेस करेंगे आप। अच्छा, मिसाल के तौर पे ये बात अगर आपको कहनी है लेकिन आप 45 डिग्री का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते तो आप फिर ये बात कैसे कहेंगे, आप तो ये बात कह ही नहीं सकते। तो मैथ की ज़ुबान में जब दो मैथमेटिशियन आपस में बात करते हैं ना, तो मैथ की ज़ुबान में बात करते हैं, तो जब दो मैथमेटिशियन आपस में बात करते हैं तो वो जो जो सेंटेंस इन्होंने ये वर्ड लिखा है ना, ये जो सुनना चाह रहा था मैं, मैथ की ज़ुबान में कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ हो उसको हम मैथ एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है, कि किसी बंदे ने अपनी बात एक्सप्रेस की है मैथ की ज़ुबान में, मैथ एक्सप्रेशन है वो। अच्छा, इसी तरीके से क्या मैं बोलने लगा था, मैं भूल गया। बड़े इंपॉर्टेंट कोई बात बोलने लगा था, अभी मेरे जहन से निकल गई। अच्छा, जैसे एवरेज निकालने का फॉर्मूला है, अब एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला है वो भी एक क्या एक्सप्रेशन है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे आके ना अब एक मैथ एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, ये प्रोग्रामिंग की बात नहीं है, ये प्रोग्रामिंग के अलावा भी ना मैथ एक्सप्रेशन एक अपनी चीज़ है। अच्छा, मैंने लिखा कि भाई 2 + 5, अब ये जो 2 + 5 है, आपने ऐसे सुना होगा ना कि मैथ की ज़ुबान में ना, मतलब मैथ एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, वैसे तो दुनिया के हर कोने में जो ज़ुबानें बोली जाती हैं, उर्दू, इंग्लिश और डिफरेंट, फ्रेंच, रशियन, लेकिन एक ऐसी यूनिवर्सल ज़ुबान है जो पूरी दुनिया में सेम है, वो मैथ की ज़ुबान है ना। तो ये मैथ की ज़ुबान में लिखा हुआ है 2 + 5, और दुनिया की हर कंट्री में 2 + 5 जो है वो 7 ही होता है, ऐसा नहीं हो सकता कि 2 + 5 जो ना कुछ और हो जाए, 7 के अलावा कुछ और हो जाए, ठीक है। तो मैंने कहा लेट रिजल्ट इक्वल्स टू 2 + 5। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये एक मैथ का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। जब जावा स्क्रिप्ट इस मैथ एक्सप्रेशन को देखती है ना, तो जावा स्क्रिप्ट क्या करती है, इस एक्सप्रेशन को रिजॉल्व करती है, इस एक्सप्रेशन को जावा स्क्रिप्ट क्या करती है, रिजॉल्व करती है। जब जावा स्क्रिप्ट इस एक्सप्रेशन को रिजॉल्व करेगी तो इसमें मतलब ये है कि जो भी बात इसमें बोली जा रही है ना उस तरह से किया जाएगा, यानी इसमें बोला जा रहा है 2 को 5 के अंदर प्लस कर दो आप, इसमें ये बात बोली जा रही है। तो अब ये कोड जब रन होगा तो ये एक्सप्रेशन यहाँ से खुद गायब हो जाएगा, और इसका जो रिजॉल्व हो के जो इसका रिजल्ट बनेगा ना वो यहाँ आ जाएगा 7, जब ये कोड चलेगा जब होगा ये, और ये 7 इस रिजल्ट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, हमने एक तो बात ये सीखी कि मैथ एक्सप्रेशन होता क्या है, ठीक है, पहले तो हमने देखा इन जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, फिर तो मैथ एक्सप्रेशन हमने देखा कि होता क्या है। दूसरी बात हमने ये सीखी कि जावा स्क्रिप्ट जब भी मैथ एक्सप्रेशन को देखेगा उसको वो रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया जी। अब इस एक्सप्रेशन में हम ज़रा लंबी बात लिखते हैं ना, जैसे पहले तो हमने लिखा था ना कि आई नीड वाटर, अब इसमें पूरा पूरा दुखी दास्तान लिखते हैं इसके अंदर हम, ठीक है, -2 कर दिया मैंने इसके साथ, ठीक है, फिर डिवाइड बाई 2 कर दिया। अब कौन मुझे बताएगा कि जावा स्क्रिप्ट जब इसको रिजॉल्व करेगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, यानी इस रिजल्ट के अंदर क्या जाएगा। पहले तो हमने देखा कि यार 7 जा रहा था, उसको कॉन्सोल पे मैं लॉग भी करवा देता हूँ। सर, मैथ्स में जो एक चीज़ हम पढ़ते हैं बोर्डमास के बारे में, तो सेम प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो होगा? सेम रूल तो नहीं हो फॉलो होगा यहाँ पे, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन अभी वैसे आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये रिजॉल्व क्या होगा, चलो बोर्ड मास के हिसाब से बता दो फिलहाल। 6 होना चाहिए। 6 आना चाहिए रिजल्ट। अच्छा, मुझे भी नहीं पता क्या होगा, मैं भी देखता हूँ। 2 + 5 = 7, फिर -2 दोबारा से 5, और 5 को डिवाइड बाई 2 जब करेंगे तो आई थिंक 2.5 आ जाना चाहिए रिजल्ट।
मेरे ख्याल में 2.5 है। अच्छा आपके ख्याल में क्या रिजल्ट आना चाहिए? सिक्स तो बोर्ड मास फॉलो करेगा। अच्छा बोर्ड मास अगर करें तो 6 आना चाहिए। सही है, तो एक दोस्त ने कहा कि 6 आ जाना चाहिए। और अच्छा मुझे ना मैथ वैथ आती है नहीं इतनी। अच्छा तो आप लोगों को मेरे से ज़्यादा मैथ आती होगी होपफुली। तो बाकी लोग और भी सब लोग क्या एग्री कर रहे हैं कि 6 आएगा? अच्छा सब लोग एग्री कर रहे हैं 6 आएगा, तो देखते हैं जी क्या आता है, 6 आता है या 2.5 आता है। कहाँ गया जो ये चल रहा था? अच्छा इसको रन नहीं किया मैंने अभी तक, कॉपी पास करके इसको रन कर लेता हूँ। अच्छा रिज़ल्ट 6 आ गया, बिल्कुल सही आया। ठीक है, अच्छा अब ये रिज़ल्ट जो है 6 ये कैसे आया? अगर तो मैं इसको 2 + 5 करता हूँ और -2 करता हूँ तो फिर मतलब ये 7 था और 7 - 2 दोबारा 5 है, 5 / 2 2.5 आना चाहिए। तो ये तो गड़बड़ हो गई, ये ऐसे क्यों कर रहा है भाई? तो इसका रीज़न ये है कि ऑपरेटर की जो है ना प्रिसिडेंस होती है। ठीक है, जैसे कि दोस्त ने जिक्र किया बॉर्ड मास, बॉर्ड मास जो है वो एक रूल होता है जो आम तौर पे प्राइमरी क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है। इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि जब भी कोई एक्सप्रेशन होगा, जब भी कोई मैथ की ज़ुबान में लिखा हुआ कोई जुमला जब भी होगा तो उसको रिजॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो वो उसका ये तरीक़ा है। जैसे कि अब अंग्रेज़ी में भी ये होता है ना, अंग्रेज़ी में भी अगर कोई जुमला लिखा हुआ है तो उसको कैसे परसीव करना है उसका एक रूल होता है। तो अगर जैसे मैं बोलता हूँ कि आई एम गोइंग टू द शॉप, आई एम गोइंग टू द शॉप, ऐसे बोलता हूँ मैं, तो इसमें ना एक तरतीब है इस जुमले की, ना एक तरतीब है इस जुमले की कि आई एम गोइंग टू, तो पहले मैं बोल रहा हूँ कि मैं शॉप जा रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल सकता कि जा रहा हूँ मैं शॉप, थोड़ा अटपटा लगेगा। ठीक है, या शॉप जा रहा हूँ मैं, अटपटा लगेगा थोड़ा। बोल सकते हैं वैसे भी, मतलब चूँकि हम नेटिव हैं तो हमें समझ आ जाएगा कि आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन स्टिल अकॉर्डिंग टू द रूल वो अटपटा लगेगा, शायद सामने वाले को समझने में डिफ़िकल्टी हो या वो आपकी बात का कोई और मतलब ले ले। ठीक है, तो इसी तरह हम कोई और, मेरे को जुमला आ नहीं रहा है ऐसा जहन में उर्दू का कि जिसको मैं ना उल्टा करूँ तो उसका मतलब चेंज हो जाए। सोचते हैं थोड़ा, जैसे हम कहते हैं ना कि देयर इज वन वर्ड, उसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं। हाँ बताएं। किताबचा। हाँ किताबचा है, सही है। तो उसको किताबचा को मिला के पढ़ना होता है, कुत्ता बच्चा बच जाएगा वरना तो। नहीं फुल जुमला मैं थोड़ा अभी सोच रहा हूँ, कोई फुल जुमला हो ना जिसका अगर मैं सीक्वेंस चेंज करूँ तो उसका मतलब बदल जाए। ठीक है, बहुत सारे जुमले ऐसे हो सकते हैं बाय द वे। मिसाल के तौर पे पी रहा हूँ मैं पानी, योडा मास्टर वाले थोड़ा फील आ रही है ना, ऐसे योडा मास्टर भी ऐसे ही बोलता है ना जो ग्रीन कलर का होता है कि दिस मैन इज़ वेरी क्यूरियस, तो उसको ये बोलता है कि वेरी क्यूरियस दिस मैन इज, उल्टा करके बोलता है। अभी मैं सर एक जुमला आया करो, उसको दो पार्ट में डिवाइड करें तो मतलब बदल जाता है सर। हाँ बताओ कौन सा है वो? रोको मत जाने दो। अच्छा रोको मत जाने दो। अच्छा अच्छा सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। तो वेल शायद ये कुछ मतलब वो हो गया, हम बॉर्ड मास पे वापस आ जाते हैं, हम बहुत दूर निकल गए थे बॉर्ड मास से। वेल तो हमने कहा कि भाई मैथ पूरी दुनिया की यूनिवर्सल ज़ुबान है और ये बॉर्ड मास भी ना पूरी दुनिया में यूनिवर्सल है। तो ये रूल हमें क्या कहता है कि भाई पहले ब्रैकेट ऑर्डर को फॉलो करना है। ठीक है, तो हमारे एक्सप्रेशन में ना ब्रैकेट्स मौजूद ही नहीं है फिलहाल, तो हम अभी छोड़ देते हैं, तो ब्रैकेट ऑर्डर को हमने छोड़ दिया। उसके बाद ये कहता है कि उसके बाद अगर डिवाइड मौजूद है तो उसको पहले करना है। इसका मतलब है डिवाइड मौजूद है तो इसको पहले किया जाएगा। तो 2 / 2 जो है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है आई थिंक, है 2 / 2 0 होता है, 2 / 2 नहीं 1 होता है। सही, ठीक है, मुझे मैथ वैथ नहीं आती भाई, जो बात है 1 होता है, तो ये 1 हो गया। अच्छा उसके बाद अगर मल्टीप्लाई मौजूद है तो वो करना है, मल्टीप्लाई मौजूद नहीं है उसके बाद एडिशन करना है और उसके बाद सब्ट्रैक्शन करना है। राइट, तो एडिशन उसके बाद होगा 7, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा 6। अगर मैं क्या करूँ, जैसा कि शुरू में आपने देख ही लिया था कि रिज़ल्ट डिफरेंट आ जाता है,
अगर मैं मिसाल के तौर पे पहले माइनस कर दूं, ठीक है, तो ये फोर बन गया और फोर प्लस टू भी सिक्स होता है, ठीक है, तो मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है ना वो वन गो में आप कर सकते हैं सम टाइम, हमेशा नहीं कर सकते, सम टाइम आप कर सकते हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया बॉर्ड मास ना, जावास्क्रिप्ट बॉर्ड मास को फॉलो नहीं करता भाई, ठीक है, जावास्क्रिप्ट को पता ही नहीं है बॉर्ड मास क्या होता है, ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो मैथमेटिशियंस के लिए बनाई गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जैसे पाइथन है वो भी मैथमेटिशियंस के लिए बनाई गई है पाइथन, और मैथमेटिशियन ने खुद ही बनाई थी अपने लिए, मतलब तो उसमें कुछ मामलात बेहतर हैं, लेकिन अल्टीमेटली पाइथन भी बॉर्ड मास को फॉलो नहीं करता, वो अपनी प्रेसिडेंस उनकी होती है ना। अच्छा, तो जावास्क्रिप्ट की जो प्रेसिडेंस ऑपरेटर है ना वो हम देख लेते हैं कि क्या है वो। ऑपरेटर प्रेसिडेंस, अच्छा ये है जावास्क्रिप्ट के मेरा ख्याल है अजान हो रही है, हम दो मिनट के लिए खामोशी करते हैं। अच्छा जी, तो हम वापस आ जाते हैं। अच्छा, ये प्रेसिडेंस ऑपरेटर जो है इसमें सबसे पहले इसने क्या लिखा हुआ है, ग्रुपिंग, जिसकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है ना उस काम को पहले किया जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास है ब्रैकेट्स, ये वाली जो ब्रैकेट्स है ना ये काम सबसे पहले किया जाएगा, तो ये तो भाई बॉर्ड मास से मैच हो गया, ठीक है, बॉर्ड मास से ये मैच हो गया। अब हम आगे चलते हैं, अब हम ढूंढते हैं इसमें कि डिवाइड इसमें कहाँ पर है, ठीक है, डिवाइड का जो ऑपरेटर है ना ये रहा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, इन दोनों की प्रेसिडेंस सेम होने का क्या मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वन गो में किया जाएगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वन गो में किया जाएगा, इसका ये मतलब है। इस पॉइंट पे आके ना जावास्क्रिप्ट बॉर्ड मास को फॉलो नहीं करता, बॉर्ड मास में ये होता है कि डिवाइड पहले होता है, यानी पूरे एक्सप्रेशन में जितने भी डिवाइड्स हैं वो सारे पहले हो जाते हैं और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होता है, सही है, यानी जितने भी मल्टीप्लिकेशन है उसके बाद होता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि वो एक्सप्रेशन को शुरू से रीड करेगा, जो डिवाइड आएगा तो डिवाइड भी कर देगा, मल्टीप्लाई आएगा उसको भी कर देगा, फिर डिवाइड आएगा उसको, तो वन गो में डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों को करता हुआ जाता है। इसी तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी वन गो में करता है, ठीक है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि यार मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो एक दूसरे का ही अपोजिट है, तो अगर मल्टीप्लिकेशन पहले या डिवाइड पहले कर दिया जाए तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन इसमें इशू है,
ठीक है, अगर आप थोड़ा सा और करें तो आपको इशू आ जाएगा। इवन दो के एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी, जैसे अगर मैं इस केस में आपको बताऊं, डिवाइड तो पहले हो गया ना, वन आ गया, अब मैं इसमें पहले सब्ट्रैक्शन करूं या पहले एडिशन करूं, जावास्क्रिप्ट तो शुरू से पढ़ेगा और वन गो में दोनों को करेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक चीज़ पहले की जाए और एक चीज़ बाद में की जाए तो ऐसा लगता है कि प्लस माइनस में तो कोई डिफरेंस होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन रिसेंटली अभी किसी ने कमेंट किया था मेरी वीडियो पे, वो मैं अभी उसमें ना क्या हो रहा था कि नीचे चला गया काफी वो कमेंट यार। हाँ ये रहा, अच्छा इनको भी मैं शाउट आउट दूंगा, तैयबा अली हैं ये, यूट्यूब पे मेरी वीडियोस देखती हैं और इन्होंने हाईलाइट किया था कि ये जो है ना डिफरेंट है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँ नीचे, तो अकॉर्डिंग टू द बॉर्ड मास रूल जो है ना, इसका आंसर क्या आना चाहिए क्योंकि बॉर्ड मास में पहले होता है एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन होता है, तो पहले मैं एडिशन करूँगा तो क्या आएगा इसका रिजल्ट, 5 + 6 = 11 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई 11 और फिर उसको माइनस करूँगा 5 से, तो 11 - 5 क्या हो जाएगा, सॉरी एक मिनट यार मैं गड़बड़ कर रहा हूँ कुछ, इसको ऐसे ही करता है, 5 + 6 पहले एडिशन है तो 5 + 6 क्या हुआ, 11 हो गया, सही है। और 12 - 11, तो 12 में से 11 माइनस किया तो क्या बच गया, 1 बच गया, तो इसका आंसर आ रहा है 1, राइट इसका आंसर आ रहा है 1, ठीक है। अगर अब यही सेम चीज़ है इसको मैं जावास्क्रिप्ट के वे में करूँ, जावास्क्रिप्ट बोलता है 1 गो में होगा सारा ना, तो 12 - 5 से क्या बचा हमारे पास, 7 बचा, सही है। और 7 + 6 क्या हुआ, 13 हो गया एक्चुअली, तो अब इसका रिजल्ट जो है वो 13 बन गया, सही। हालांकि सेम है, सिर्फ प्लस माइनस मैंने ऊपर नीचे किया है, तो ये 13 बन गया, राइट। तो आपने देखा कि प्लस माइनस में भी इवन ये सीन है कि अगर मतलब प्लस को पहले करें या माइनस को पहले करें तो उससे रिजल्ट हमारा डिफरेंट आ सकता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द बॉर्ड मास जो है वो ये वाला है, सही है, और अकॉर्डिंग टू जावास्क्रिप्ट जो है वो ये वाला है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि जावास्क्रिप्ट जो है वो बॉर्ड मास को फॉलो नहीं करता है। अच्छा इन दोनों को हम ज़रा चला के भी देख लेते हैं कि वाकई क्या ऐसा हो रहा है, मतलब ये मैं 12 - 5 + 6 लिखूँगा जब यहाँ पे, ठीक है, 12 - 5 + 6 यही वाला एक्सप्रेशन है मेरा, तो रिजल्ट के अंदर ना ये जावास्क्रिप्ट वाला रिजल्ट आएगा, यानी कि 13 आएगा, ठीक है। हालांकि आना चाहिए इसका रिजल्ट 1, अकॉर्डिंग टू बॉर्ड मास इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये 13 आ रहा है। सब लोग इससे अग्री कर रहे हैं कि बॉर्ड मास के अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट 1 आना चाहिए, जी बिल्कुल। तो जावास्क्रिप्ट जो है ना भाई बॉर्ड मास को फॉलो नहीं करता है। इन बॉर्ड मास इट इज लेफ्ट टू राइट फॉर सेम प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, ये मैं बात समझा नहीं आपकी, कामरान ये जो आपने बात लिखी है ना, हाँ जी बताएं। सर मुझे ये पूछना था कि बॉर्ड मास से करेंगे या फिर जावास्क्रिप्ट से करेंगे। मैं वही आपको अभी उस पे आ रहा हूँ मैं, लेकिन अभी तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि जावास्क्रिप्ट बॉर्ड मास को फॉलो नहीं कर रहा। अच्छा मोहम्मद कामरान ये जो आपने बात लिखी है, इन बॉर्ड मास इट इज लेफ्ट टू राइट फॉर द सेम प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन हैज सेम प्रेसिडेंस, सिमिलरली प्लस एंड माइनस हैज सेम प्रेसिडेंस, इन केस वेयर टू ऑपरेटर्स कम टुगेदर इट विल बी कैलकुलेट लेफ्ट टू राइट ही तो कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट तो कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे जैसे लेफ्ट टू राइट अगर हम कर रहे हैं और प्लस भी आ गया और माइनस भी आ गया, तो यहाँ पे पहले क्या होगा, बॉर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले जो है एडिशन होगा यहाँ पे ना, तो पहले इस वाले को किया जाएगा बजाय इस वाले के, यानी
लेफ्ट टू राइट। तो वेल हमें पता ये चला कि जावास्क्रिप्ट की जो मैथ है ना वो इतनी अच्छी नहीं है, सही है, जावास्क्रिप्ट की जो मैथ है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो अब हम करेंगे क्या, मसले का हल क्या है, क्योंकि जो दुनिया के अंदर जो जावा जो जो मैथ की जो ज़ुबान है उसमें तो वर्ड मास रूल है, जैसे कि मैंने बताया कि पूरी दुनिया में मैथ सब जगह पर सेम है, मैथ के रूल्स में कोई फ़र्क नहीं है किसी भी जगह पर, ठीक है। 2+2 हर जगह 4 होता है, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो। अच्छा, तो अब जावास्क्रिप्ट की जो मैथ है ना वो किसी काम की नहीं है, हमें ये समझ में आया, क्योंकि उसका मीनिंग बेसिक रूल ही गलत है उसका ना, मैथ का। तो इसके लिए आम तौर पे जब हम कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जो मैथमेटिक्स में क्रिटिकल काम हो रहा होता है कोई, या कोई ऐसा सेंसिटिव सॉफ्टवेयर हम बना रहे होते हैं जहाँ पे हमें एक्यूरेट मैथ चाहिए होती है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। एक बड़ी अच्छी लाइब्रेरी है मैथ JS के नाम से, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसे यूज़ करते हैं ये हम अब बाद में सीखेंगे, जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे ना, लाइब्रेरीज को डिस्कस करेंगे तो फिर हम करेंगे। लेकिन इसके अंदर आप देखें ये मैथ वाले जितने काम हैं ना सारे इसके अंदर हो जाते हैं, और इसके अंदर वो वाले मसले मसाइल भी नहीं है। मैथ डॉट इवेल्यूएट करके आप कोई भी चीज़ इसके अंदर देते हैं वो उसको प्रॉपर रूल्स के हिसाब से कैलकुलेट करके आपको रिजल्ट रिटर्न करता है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल अब इसको यहीं पर रखते हैं, इतना रोक देते हैं, बल्कि उसके अंदर ना वो लगा कर देखते हैं। हमारा जो ये वाला है ना 12-, ये मैंने लिखा, इन्होंने डेमो छोटा सा दिया हुआ है ना बना के, कि इधर जो भी एक्सप्रेशन लिखो, जो भी एक्सप्रेशन लिखो और इवेल्यूएट करो। यार इसने भी 13 दे दिया, ये क्या चक्कर है, ऐसा तो नहीं है कहीं कि मुझे बॉर्ड मास का ही सही पता नहीं है, क्योंकि मैथ मुझे आती नहीं है, वो मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो ये भी 13 दे रहा है, तो आई थिंक कि शायद 13 ही सही आंसर है इसका। तो या तो बॉर्ड मास में भी यही होता है कि सेम होता है। मोहम्मद कामरान काइंडली ये बताइएगा कि क्या ये मैथ डॉट JS जो आंसर दे रहा है ये बॉर्ड मास के अकॉर्डिंग दे रहा है, अगर आपको मैथ आती है तो, नहीं आती तो फिर मेरा वाला ही हाल है आपका। बाई द वे प्रोग्रामिंग में ना इतना ज़्यादा एक्सटेंसिव किस्म की मैथ आपको आनी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एज अ सॉफ्टवेयर डिवेलपर आपको मैथ आनी इतनी ज़रूरी नहीं है। हाँ, जो हम क्योंकि क्या करते हैं, जो बने बनाए टूल्स हैं ना हम जस्ट उनको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम खुद से वो टूल बना नहीं रहे होते, हम उन टूल्स को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जावास्क्रिप्ट की एक बनी हुई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम जस्ट उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे अब MS Office एक सॉफ्टवेयर है ना यार, MS Office जो है जिसके ऊपर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कुछ लिख रहे होते हैं, आप कुछ डॉक्यूमेंट CV वगैरह बनाते हैं, ज़ाहिर है MS Word जो सॉफ्टवेयर है उसको बनाने में बहुत सारी मैथ का इस्तेमाल हुआ होगा, लेकिन एज अ यूज़र क्या आपको मैथ आना ज़रूरी है, नहीं, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग जो हम ये वाली कर रहे हैं ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो हम कर रहे हैं, इसके अंदर आपको मैथ आना ज़रूरी नहीं है, और उसका वाज़ह सबूत ये है कि मुझे नहीं आती है, ठीक है। बेसिक तो आती है प्लस माइनस, बल्कि उसमें भी कन्फ्यूजन है आप देखें। अच्छा, तो हम वैसे तो हम ये इस्तेमाल कर लेते हैं प्लस माइनस, लेकिन जहाँ पे हमें कोई क्रिटिकल सिचुएशन होती है, जहाँ पे हमें बिल्कुल एक्यूरेट मैथ चाहिए होती है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, लाइब्रेरी का सहारा लेते हैं, वहाँ पे हम इसका सहारा नहीं लेते, जावास्क्रिप्ट की मैथ को हम यूज़ नहीं करते। इवन दो कि पाइथन भी वो साइंटिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है उसको, साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस ने खुद अपने लिए वो बनाई थी और बाद में पब्लिक हुई वो, तो उसमें भी एक लाइब्रेरी है दैट इज़ कॉल्ड NumPy ना, जो नंबर्स की लाइब्रेरी है, NumPy करके बोला जाता है उसको। तो उसमें भी क्या होता है कि जितने भी मैथ्स होती हैं ना, जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, तो वो हम NumPy के ज़रिए कर रहे होते हैं ना, तो मतलब क्योंकि उसकी भी जो अपनी वाली मैथ है ना वो कोई इतनी ढंग की नहीं है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और ये प्लस प्लस माइनस माइनस वाले पे हम ज़रा मूव कर लेते हैं। अभी तो हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की ही बात कर रहे थे। अच्छा, अब मैं एक और बनाता हूँ, लेट रिजल्ट इक्वल्स टू, बल्कि मैं बनाता हूँ लेट NumOne इक्वल्स टू 5। अच्छा, NumOne प्लस प्लस, ठीक है जी। अब हमारे पास ना एक वेरिएबल है NumOne, उस पर मैंने लगा दिया प्लस प्लस। दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, राइट। अब पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, इस वेरिएबल के अंदर जो भी इस वक्त वैल्यू मौजूद है
उसमें वन प्लस कर देता है, ठीक है। ठीक है, नम वन को यहाँ पे मैं जब कंसोल करवाऊँगा तो यहाँ पे सिक्स कंसोल हो जाना चाहिए। रिफ्रेश किया मैंने, सिक्स कंसोल हो गया, दैट इज़ ऑल के हमारे पास ये जो ऑपरेटर है ये क्या करता है, उसमें प्लस प्लस करवा देता है। प्लस प्लस का मतलब है कि एक प्लस कर देता है जो भी उसमें पहले से मौजूद है। अगर मैं दो बार लगाऊंगा ये तो दो बार प्लस प्लस कर देगा, यानी सेवन हो जाना चाहिए ऑपरेटर, तो सेवन हो गया यहाँ पे हमारे पास। इसी तरह हमारे पास माइनस माइनस है, ठीक है। माइनस माइनस क्या करता है, वही सेम काम है लेकिन अपोजिट है, मतलब एक प्लस करने की बजाय एक माइनस कर देता है। यहाँ पे मैं आया, रिफ्रेश किया तो देखो फोर हो गया, वो ओरिजिनली वो फाइव था और वो एक माइनस हो के फोर हो गया, ठीक है। तो ये प्लस प्लस और माइनस माइनस भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है प्रोग्रामिंग के दौरान, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि आपको क्या करना होता है कि किसी नंबर में वन प्लस या वन माइनस करवाना होता है ना, तो उसमें अगर इसको आप नॉर्मली करें, नॉर्मली आप कैसे करेंगे, मतलब अगर ये ऑपरेटर यूज़ ना करें, बगैर इस ऑपरेटर की भी कर सकते हैं। मैंने कहा नम वन इक्वल्स टू नम वन प्लस वन, राइट। तो ये काम आप बगैर इस ऑपरेटर के भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको ना थोड़ा लंबा करना पड़ता है, लंबी कोडिंग करनी पड़ती है, तो इस वजह से ये ऑपरेटर हमारे पास मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। जैसे हम किसी चीज़ को काउंट कर रहे होते हैं, जब तुम लूप चलाते हैं, अभी लूप वगैरह हमने नहीं पढ़ा, अभी हम वो पढ़ेंगे बहुत जल्दी, तो जब हम लूप चला रहे होते हैं तो भी हम क्या करते हैं, हर दफ़ा एक एक करके हम काउंट करते हैं, एक एक करके प्लस करते जाते हैं, तो ये इंक्रीमेंट और अच्छा ये डिक्रीमेंट हो जाता है, जब माइनस होता है ना तो फिर इसको क्या बोलते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। डिक्रीमेंट है, पोस्ट डिक्रीमेंट है। अच्छा, इसमें यहाँ तक किसी का कोई सवाल, जो अभी मैंने ये दो ऑपरेटर्स बताए आपको, प्लस प्लस वाले और माइनस माइनस वाले, अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछ ले माइक ओपन करके। गॉड मास का मुझे समझ में नहीं आया कि वो रूल अप्लाई करना है कहाँ करना है या जावास्क्रिप्ट में करना है। आपको थोड़ा सा तेज़ बोलना पड़ेगा, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। सर मुझे गॉड मास का रूल समझ में नहीं आया कि वो जावास्क्रिप्ट से करना पड़ेगा। नहीं, मैं ये नहीं बता रहा आपको कि असल में मैं ये कह रहा था कि जावास्क्रिप्ट जो मैथ है ना, वो तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो जैसे होता है वैसे ही होगा, लेकिन पॉइंट मेरा ये था कि जावास्क्रिप्ट की मैथ जो है ना कुछ जगहों पे थोड़ा सा गड़बड़ करती है, ठीक है। तो हम नॉर्मली जावास्क्रिप्ट की मैथ जो है इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं यूज़ करते, लेकिन जहाँ पर हमें मैथमेटिक्स की क्रिटिकल चीज़ें होती हैं ना कि भाई बिल्कुल ही एक्यूरेट किस्म की मैथ चाहिए, तो वहाँ पे फिर हम जावास्क्रिप्ट का ये प्लस माइनस यूज़ नहीं करते, फिर हम लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये था बताने का, ठीक है। वैसे तो बॉर्ड मास ही कोशिश तो जावास्क्रिप्ट भी करता है कि बॉर्ड मास को फॉलो करें। इन्होंने कहा राइट टू लेफ्ट इवैल्यूएशन सबट्रैक्ट विल हैपन फर्स्ट, यस ओके। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जावास्क्रिप्ट जो रिजल्ट दे रहा है वो सही दे रहा है, वो बॉर्ड मास के अकॉर्डिंग दे रहा है। इट इज़ अकॉर्डिंग टू बॉर्ड मास, इवन बॉर्ड मास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विल हैपन लेफ्ट टू राइट, यानी विच एवर ऑपरेटर कम फर्स्ट विल कम फर्स्ट ऑन लेफ्ट साइड। सही है, तो ये कह रहे हैं ये दोस्त, ये कह रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर भी ना, क्योंकि देखो मुझे मैथ नहीं आती, मुझे जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से आती है, तो जावास्क्रिप्ट का तो प्रेसिडेंस मैंने बता दिया कि यार जावास्क्रिप्ट में क्या होगा कि लेफ़्ट से राइट वो करेगा और प्लस माइनस को वन गो में करेगा और मल्टीप्लाई डिवाइड को वन गो में करेगा, ठीक है। तो कामरान ये बता रहे हैं, कामरान को शायद मैथ बेहतर आती है, मुझे तो मैथ नहीं आती, वो मुझे पहले ही बताया, उन्होंने बता भी दिया आपको। तो कामरान ये बता रहे हैं कि मैथ में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ठीक है, चलो यार दोनों सेम। अच्छा, अब ये हमारा अगला आ गया टॉपिक ना, वो तो टॉपिक ख़त्म हो गया, हमारा पुराना टॉपिक था वो, तो ये हमारा अगला टॉपिक आ गया। अब इस वाले में प्लस प्लस माइनस माइनस का जो ऑपरेटर हमने पढ़ा, इसमें क्या किसी का कोई सवाल है, अगर कोई सवाल है तो वो पूछ लें मुझसे। अच्छा, हमारे पास अभी हैं 30 मिनट्स और है। अच्छा, एक है पोस्ट डिक्रीमेंट और एक है प्री डिक्रीमेंट। ये मैं प्लस प्लस आगे लगाता था ना जब, तो इसको क्या कहते थे, पोस्ट इंक्रीमेंट कहते थे, यानी बाद में इंक्रीमेंट करता है, और एक पीछे पीछे भी लग सकता है इसका ना, दिस वुड बी कॉल्ड प्री इंक्रीमेंट, राइट। अच्छा, ये मैं कहीं और से अलग से बात नहीं कर रहा, ये आपकी बुक में ना ये सारा कुछ लिखा हुआ है पहले से ना, अगर आप अपनी बुक को ये खोलेंगे ना, जो रेफरेंस बुक है हमारे पास जो मैंने आपको शेयर की है,
किसी के पास नहीं है तो वो ग्रुप में बता दीजिएगा, कोई ना कोई आपसे शेयर कर लेगा। तो इसमें ये सब कुछ ना पहले से लिखा हुआ है, राइट? तो आप यहाँ से देख के भी पढ़ सकते हैं अगर आप भूल जाएँ कि ये चार तरह के एक्चुअली ऑपरेटर हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट, ये चार तरह के ऑपरेटर हैं, ठीक है? तो ये बुक में भी इसका जिक्र हुआ है। अच्छा, अगर मैं इस प्लस प्लस को पीछे लगा दूँ यहाँ पे तो क्या होगा, कोई फ़र्क है क्या दोनों में? देखते हैं ज़रा। ओरिजिनली मेरा जो नंबर था वो फाइव था, ये प्लस प्लस करके ये भी एक इंक्रीमेंट कर रहा है, तो ये यहाँ पे सिक्स प्रिंट हो जाना चाहिए। आ जाते हैं जी, हम देख लेते हैं, सिक्स प्रिंट हो गया। अब इस प्लस प्लस को मैं अगर इधर लगा दूँ इस तरफ तो भी यहाँ पे सिक्स प्रिंट होगा। अब कौन मुझे ये बताएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था कि ये चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिएगा फिर हम डिस्कशन करेंगे, यानी जो भी मैंने शुरू में ही बताया था कि जो भी हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं आगे, वो आपको पता है बुक में लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि यार ये वो टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो अगर किसी ने ये पढ़ा है, किसी को ये पता है, कोई इस पर अपना ओपिनियन दे सकता है तो प्लीज़ ज़रूर दे कि अगर मैं प्लस प्लस को पीछे लगाता हूँ या आगे लगाता हूँ और दोनों का नाम भी अलग अलग है, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, तो दोनों में एक्चुअल में फ़र्क क्या है, क्या लगता है आपको? प्लीज़ अपना ओपिनियन दीजिएगा। जी अफसर, फर्क तब आएगा जैसे फॉर एग्जांपल नंबर वन अगर हो माइनस फाइव और माइनस फाइव से पहले अगर प्लस प्लस लिखा हुआ तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसी तरह अगर प्लस माइनस फाइव ही नंबर है, हमारा नंबर वन माइनस फाइव है और उसके आगे अगर प्लस प्लस लिखा हो तो भी माइनस प्लस माइनस होगा, लेकिन प्लस दो दफ़ा तो माइनस प्लस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो हाँ माइनस ही होगा। नहीं, असल में वो तो आपने बात सही की है, वो प्लस प्लस असल में दूसरा वाला, ये तो ऑपरेटर है ना, लेकिन मैं प्लस को पीछे लगाता हूँ दोनों प्लस को या आगे लगाता हूँ, दोनों सूरत में मेरे पास सिक्स प्रिंट हो रहा है। तो अभी तो ये सिचुएशन है कि मैं दोनों सूरतों में मेरे पास सिक्स ही प्रिंट हो रहा है। तो अगर आपने बुक में ये टॉपिक पढ़ा है तो इन दोनों में कोई डिफरेंस है या दोनों ही प्लस करते हैं, ये एक्चुअल मेरा सवाल है, ये है वो कोड। नो प्रॉब्लम, इसमें देखिए सही गलत नहीं है कोई, आई अप्रिशिएट कि आप पार्ट ले रही हैं क्लास में, इसमें कोई सही गलत नहीं है, ये ब्रेन स्ट्रोमिंग का सवाल है कि इसका मकसद ये है कि अगर किसी को कुछ आता है क्लास में या जाहिर है क्योंकि क्लास में ना मैं सिर्फ सिखाऊंगा नहीं, मैं आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखूंगा क्लास में, राइट? तो हो सकता है कि मुझे आपसे कुछ सीखने को मिले। तो ये ब्रेन स्ट्रोमिंग होता है ना, ये पूरी दुनिया में जो क्लासेस होती हैं यूनिवर्सिटीज़ की और जो सीनियर क्लासेस होती हैं उसमें ब्रेन स्ट्रोमिंग के सेशंस होते हैं, ताकि आप में से निकाला जाए कि यार आप में कौन मतलब कोई बैठा हुआ है अगर जीनियस तो हमें पता चले ना, ताकि फिर उस पर हम जिम्मेदारियाँ ज़्यादा डालें। डिफरेंस होना क्या चाहिए, क्योंकि साइन तो दोनों में सेम है दोनों तरफ। साइन तो दोनों में सेम है। जी हानिया सर, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि प्री और पोस्ट में डिफरेंस क्या होगा? जी, प्री और पोस्ट में क्या डिफरेंस है? सर, मैं जो एक्चुअली समझी हूँ तो वो ये है कि अगर पहले प्लस प्लस लगा हुआ है नंबर से पहले तो वो पोस्ट होगा और बाद में अगर प्लस प्लस है तो वो प्री होगा। हाँ, नाम तो आपने सही बताया, नाम तो आपने सही बताया कि दो ऑपरेटर हैं, इनके दो अलग अलग नाम हैं, लेकिन इनकी फंक्शनैलिटी में भी आया कि कोई फ़र्क है या सिर्फ नाम में नाम अलग अलग हैं और फंक्शनैलिटी सेम है? ऐसा क्योंकि प्री और पोस्ट में ये होता ना, पोस्ट बाद में या प्री पहले होता है। हाँ, ये भी आपने बिल्कुल सही बताया कि प्री का मतलब होता है कि पहले और पोस्ट का मतलब होता है कि बाद में। तो अगर ऑपरेटर के बाद में लगा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है? और अगर यही चीज़ ऑपरेटर के पहले लग जाए यहाँ पे तो हम इसको प्री इंक्रीमेंट कहते हैं, ठीक है? ये तो आपने बिल्कुल सही बताया। तो ये नाम हमें पता चल गया कि यार अच्छा, नाम जो है वो इस तरह से इन्होंने रखा है कि भाई बाद में जो है उसमें पोस्ट है और जो पहले है उसमें प्री है। तो लेकिन क्या इसकी फंक्शनैलिटी में भी कोई फ़र्क है? क्या इसको किसी ने पहले चला कर देखा है आप में से, या कोई ऐसा है आप में से जिसको जावास्क्रिप्ट पहले से आती है, तो वो क्या ये ओपिनियन अपना देना चाहेगा कि इन दोनों की आया के फंक्शनैलिटी में कोई फ़र्क है या नहीं है?
अच्छा चलें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें फंक्शनैलिटी में क्या फ़र्क है। मैंने कहा लेट रिजल्ट इक्वल्स अच्छा जी, ये मैंने आपके सामने ना एक मैथ एक्सप्रेशन लिखा है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे ज़ाहिर है प्रेसिडेंस पता होनी चाहिए। अच्छा, मुझे प्लस और माइनस की तो प्रेसिडेंस पता ही है, माइनस है दो इसके अंदर और ये तीसरा भी माइनस है, तो ये होगा तो पूरा वन गोम है। ठीक है, लेकिन अब मुझे ना एक चीज़ की और प्रेसिडेंस पता करनी है कि ये भाई जो ऑपरेटर है क्या ये भी उस प्रेसिडेंस का पार्ट है। तो आ जाते हैं, देख लेते हैं हम। अच्छा, मैं शायद थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी मेरी आवाज़ आ रही है सब लोगों को? अच्छा, मैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस को दोबारा मैंने ओपन कर लिया और इसमें मैं उसी चार्ट में आ जाता हूँ। ये वही चार्ट है, इसके अंदर हम प्लस प्लस और माइनस माइनस को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने बताया है कि भाई पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट, इन दोनों की जो प्रेसिडेंस है वो 15 है। ठीक है, 15 का मतलब है कि वो प्लस और माइनस से ज़्यादा है, प्लस और माइनस की जो है वो 11 है। तो इसका मतलब है कि ये वाला काम जो है वो पहले किया जाएगा इस एक्सप्रेशन के अंदर। तो करते हैं ये वाला काम पहले, नम वन प्लस प्लस। अब नम वन प्लस प्लस जो है ये क्या करेगा, इस नम वन के अंदर प्लस कर देगा, यानी कि इसको फोर कर देगा। ये पहले ये थ्री था, इसको अब ये फोर कर देगा। ठीक है सर, स्क्रीन स्टक है, इसका क्या है, दोबारा मैं शेयर कर देता हूँ। मैंने पूरे पेज को रिफ़्रेश कर लिया ना, ताकि वो, असल में मैंने ये देखा है जब इंटरनेट डिस्कनेक्ट होकर दोबारा कनेक्ट होता है तो पेज को रिफ़्रेश करना ही पड़ता है। अच्छा जी, तो ये मेरे पास जो है ना पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट जो है इसकी प्रेसिडेंस 15 है, जबकि प्लस माइनस की जो प्रेसिडेंस है मेरे पास वो 11 है। तो इसका मतलब है जिसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है उसको पहले किया जाता है। तो इसको, इस वाले काम को मैं पहले करूँगा, प्लस प्लस माइनस माइनस, इन कामों को मैं पहले करूँगा। अच्छा, तो अब ये जो प्लस प्लस है ना, इसका काम क्या है कि नम वन जो भी एक वेरिएबल था उसमें क्या कर देगा, वन प्लस करके वो पहले थ्री था उसको फोर बना देगा ये। लेकिन यहाँ पर इस जगह पे ये जो रिटर्न वैल्यू होगी ना इसकी, वो ओरिजिनल वैल्यू को रिटर्न करेगा, थ्री को रिटर्न करेगा ये। ठीक है, इसी तरह ये जो है माइनस माइनस नम वन है, माइनस माइनस क्या करता है, इसको ये क्या करेगा, दोबारा से थ्री बना देगा, फोर था ये, माइनस करके थ्री बना देगा। लेकिन चूंकि पहले इसमें प्लस प्लस लगा हुआ है तो ये प्री इंक्रीमेंट है, तो ये क्या करेगा, इनकी जो डिक्रीमेंट है वो पहले करेगा और रिटर्न बाद में करेगा। तो इसका मतलब है रिटर्न वैल्यू में यहाँ पे क्या आएगा, थ्री आ जाएगा दोबारा। ठीक है, अच्छा फिर नम टू प्लस प्लस है, नम टू में इस वक्त ओरिजिनली फाइव मौजूद है। ठीक है, तो ये इसको क्या बना देगा, सिक्स बना देगा, लेकिन सिक्स तो ये बाद में बनाएगा, रिटर्न पहले करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, बाद में इंक्रीमेंट करेगा, पहले रिटर्न कर देगा। तो पहले रिटर्न का मतलब है पहले फाइव था ये,
उसके बाद नम टू एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। नम टू में अब क्या हो चुका है, अब सिक्स हो चुका है नम टू में ओरिजिनल वैल्यू, तो यहाँ पे सिक्स रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ जो भी इसका रिजल्ट आता है, थ्री माइनस थ्री ज़ीरो, ज़ीरो माइनस फाइव माइनस फाइव, और माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस अलेवन, यस तो माइनस अलेवन इसका रिजल्ट आ रहा है। मैं इसको ज़रा कंट्रोल जेड करके इसको चला कर देखता हूँ कि आया कि वाकई इसका रिज़ल्ट माइनस अलेवन आ रहा है या कुछ और आ रहा है। ठीक है, इस रिज़ल्ट को मैंने यहाँ पे कॉन्सोल पे प्रिंट करवा लिया और यहाँ पे मैं आकर देखता हूँ कि ठीक है माइनस अलेवन इसका रिज़ल्ट आ गया। तो ये अब आपको समझ आया कि माइनस माइनस या प्लस प्लस जो भी हो, अगर पहले लगा हुआ है तो उसमें और बाद में लगा हुआ है उसमें क्या फ़र्क है, उसकी रिटर्न वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसा कि मैंने शुरू में आपसे जिक्र किया था कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हर चीज़ कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करती है। ठीक है, तो जो भी मैंने ये मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे देखें कॉन्सोल के अंदर क्या किया हुआ है, कॉन्सोल के अंदर रिज़ल्ट मैंने लिखा हुआ है, तो रिज़ल्ट जो है वो एक वेरिएबल है। रिज़ल्ट जो वेरिएबल का नाम है, जब मैं इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ तो एक्चुअल में क्या होता है, ये ख़ुद यहाँ से हट जाता है रिज़ल्ट, लेकिन रिज़ल्ट के अंदर मौजूद वैल्यू यहाँ पर आ जाती है और ये वैल्यू क्या कहलाती है, रिटर्न वैल्यू कहलाती है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि नम टू यहाँ लिखा हुआ है तो नम टू ख़ुद यहाँ से हट जाएगा, लेकिन नम टू के अंदर जो वैल्यू होगी ना वो यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरीके से जब नम वन प्लस प्लस लगा हुआ है तो नम वन प्लस प्लस का मतलब क्या है कि ये नम वन प्लस प्लस ख़ुद हट जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, नम वन की ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी इसकी जगह, लेकिन वो आने के बाद वो नम वन को प्लस प्लस भी करवा देगा, उसमें इंक्रीमेंट भी वो लगवा देगा एक अदद। ठीक है, अब मैं एक एक्सप्रेशन आपको भी ऐसा देता हूँ और देखते हैं फिर आप इसको सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, चलें जी दोस्तों, अब मुझे ज़रा बताएं कि इसका रिज़ल्ट क्या आने वाला है। उसी अकॉर्डिंग टू दैट रूल, जी दोस्तों आप में से कोई भी बताना चाहेगा कि इसका रिज़ल्ट आपको क्या लगता है कि क्या आएगा। अकॉर्डिंग टू द जावास्क्रिप्ट प्रेसिडेंस रूल, जावास्क्रिप्ट की जो प्रेसिडेंस है उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो प्रेसिडेंस प्लस प्लस और माइनस माइनस की है। ठीक है, और मल्टीप्लाई कहाँ पर आता है ज़रा वो भी देख लेते हैं। ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और मल्टीप्लाई की 12 है और एडिशन सब्ट्रैक्शन की 11 है, तो मतलब ये है कि सबसे पहले जो है वो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का काम सबसे पहले किया जाएगा। तो जी इसको मेरी स्क्रीन आप सब लोगों को नज़र आ रही होगी, इसको ज़रा अपने पास अपने ब्रेन में इसको ड्राई रन करें। इसको खैर कंप्यूटर पे चला कर देखेंगे तो फिर तो रिज़ल्ट आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगा, लेकिन इसका मकसद ये है कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन वर्क कैसे कर रही है, रन कैसे हो रही है। आपको एक एक जो आपको एक एक वर्ड पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट का ना, जो आप लिख रहे होते हैं कोडिंग, आपको समझ आ रही होनी चाहिए कि हाँ यार ये पीछे इस तरह से काम कर रही है। जब भी आपको प्रोग्रामिंग में मज़ा भी आएगा और जब भी जो है ना आप प्रोग्रामिंग में सक्सेसफुल रहेंगे आप इस करियर के अंदर में, अगर आप ये सोचेंगे कि ठीक है यार कोड लिखा हुआ है उसको कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ चल तो ये जाएगा, तो उससे फिर होगा ये कि आपको ना मज़ा नहीं आएगा, आप बोर हो जाएंगे ना। अच्छा, हसन शान शान ने कहा है कि 9 इसका आंसर आना चाहिए उनके ख्याल में। अच्छा, बाकी और आप में से कोई बताना चाहेगा कि इसका क्या आंसर आना चाहिए। ज़रा इसको हम चला के देख लेते हैं फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। बिल्कुल सही बताया यार आपने, 9 आंसर आया इसका। हसन शान, वेल डन यार, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। अच्छा, बाकी लोग भी इसको ज़रा अपने पास ड्राई रन करके देखिएगा और ये फिगर आउट करने की कोशिश करिएगा कि जो 9 इसका आंसर आया वो आखिर आया कैसे 9 आंसर। ठीक है, अच्छा, और मेरा ख्याल है कि आज हम इसी के साथ अपनी जो क्लास है उसको हम यहीं तक रखते हैं। हमने क्या आज पढ़ लिया है, हमने ये चारों प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड को कवर कर लिया है और माइनस माइनस और प्लस प्लस ये दोनों जो एक एक्स्ट्रा ऑपरेटर थे, ये एडिशनल ऑपरेटर थे जो आम तौर पे आपको मैथ में नज़र नहीं आते, ये सिर्फ प्रोग्रामिंग के अंदर होते हैं, ये पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट वाले ऑपरेटर।
तो ये हमने आज कवर किया अपनी क्लास के अंदर, ठीक है जी। तो फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगली क्लास में। और ये इनपुट और आउटपुट वाला जो असाइनमेंट था ना आपका, वो स्टिल आपका ड्यू है, ठीक है। वो जिन लोगों ने नहीं बनाया उनको मैं एलिमिनेट कर दूंगा, अगर आपने स्टिल नहीं बनाया ये असाइनमेंट इनपुट और आउटपुट वाला। अच्छा, और उसका रीज़न मेन ये है कि आने वाले जितने भी असाइनमेंट हैं सब में आपने यूज़र से इनपुट लेना है, ठीक है। अगर आपने ये असाइनमेंट नहीं बनाया तो मैं आपको इस क्लास से एलिमिनेट कर दूंगा। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो सिर्फ आके क्लास को मतलब ऐसे शो की तरह देखें और फिर चले जाएं। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, हमें उन लोगों की ज़रूरत है जो कुछ कोडिंग करें, कुछ मेहनत करें और अपना टाइम दें। जब मैं टाइम दे रहा हूँ तो मैं ये आपसे भी एक्सपेक्ट करूँगा कि आप भी अपना कुछ ना कुछ टाइम यहाँ पर दें, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।